विक्रम, विक्रम, क्या बात है विक्रम? मेरा मदद है। देख लिया उसने? क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? मेरा टाइम आ गया। क्या हो गया तुम्हें? मेरा टाइम आ गया। उसे कह दिया मैं मरूंगा, मैं नहीं बचूं। क्या बेकार की बात कर रहे हो? देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे अब कोई नहीं बचा सकता। मनाऊंगा, हाँ मुझे मनाओ। ऐसी बातें मन में नहीं लाते। देखो तुम काफी टेंशन में लग रहे हो, मरने मराने की बातें नहीं करते। तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी है, प्यारी सी वाइफ है। और अगर वो उसे बोल दिया मुझे मरना, मुझे कोई नहीं बचा सकता। किसने बोल दिया ये? वो औरत उसने बोल दिया। वो जब भी बोलती है उसकी बात हमेशा सच होती। उसने बोला है मैं मरूंगा, मुझे मरना होगा। अरे ऐसे किसी के कहने से कोई मर जाता है क्या? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास टाइम नहीं है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म। विक्रम, सब खत्म। विक्रम, विक्रम। ऐसा करती हूँ अंजलि को फोन कर लेती हूँ। हेलो अंजलि, देखो विक्रम को कुछ हो गया है, पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। वो अजीब सा बर्ताव कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुई है उसके साथ में। क्या बकवास कर रही हो? अभी एक घंटा पहले मैंने उससे बात हुई है, सब कुछ ठीक था। देख मेरा यकीन कर, मैं सच कह रही हूँ, कुछ तो हो गया है उसे, वो अपने होश में नहीं है। हाँ मैं आ रही हूँ। अरे विक्रम भाई क्या कर रहे हो? अरे पीछे रहो, गिर जाओगे भाई। रुको सब। अरे विक्रम भाई पीछे, अरे गिर जाओगे भाई। अरे कोई बचाओ इसको। विक्रम ऐसा नहीं करते। अरे स्वाति, क्या 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 हो रहा है वहाँ पर? नीचे, ऐसा नहीं करते। विक्रम साहब अमर, साहब विक्रम साहब अमर। सर, हाँ पंकज सर, जेब से ये डब्बा और ये कागज मिला। सर ये कैसे हो सकता है? क्या पहले से किसी को पता था कि डॉक्टर विक्रम की मौत कैसे होने वाली है? कि ठीक वैसा ही स्केच बना दिया? सर ये उसी औरत का काम है। लेकिन सर उस औरत को कैसे पता था कि डॉक्टर विक्रम ऐसे ही मरेंगे? वो भविष्यवाणी करने वाली औरत से मिलना पड़ेगा। पंकज एक मिनट, लिंक देना। अंजलि जी, ये अपना डायमंड रिंग मिली है विक्रम के पास, इसके बारे में आप कुछ जानती हैं? सर इस हादसे से एक घंटे पहले विक्रम ने मुझे फोन किया, बहुत खुश थे वो, कह रहे थे मुझे कोई सरप्राइज देना चाहते, शायद ये रिंग वो मुझे गिफ्ट करना चाहते थे। नाखून में मिट्टी और रेती जैसा है। एक बार टेरेस चल के देखते हैं। सर ये घर का माहौल तो बहुत ही अजीब है। बहुत डरावना है सर। आइए।
लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ पूछना है हमें। मुझे मालूम था तुम लोग जरूर आओगे। लोगों की मौत के बारे में आपको कैसे पता चलता है? श्राप या वरदान, जो भी नाम दो, मुझे सब पता चल जाता है। बहुत गंभीर बात है ये, लोगों की जान जा रही है, समझिए आप। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। किसके इशारे पे खेल रही हो तुम ये खेल? मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। लो लो। मैंने आपको बोला था सर, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। मैंने आपको बोला था सर, यहाँ पे मत आना सर। सर सर मैंने आपको बोला था। नहीं सर, उसने अंदर अभिजीत सर का स्केच बना दिया। क्या बात कर रहा है? उसे पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे आने वाले? मैंने आपको बोला था ना, कुछ चीजों से पंगा नहीं लेना चाहिए, जैसे अवंतिका। अभिजीत सर की तो जान खतरे में आ गई ना सर। ऐसे घटिया बातों से लोग डरते होंगे, मैं नहीं। मौत सबकी आएगी, कोई नहीं बचेगा। जब तुम्हारे सामने मौत आएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सीआईडी से हम लोग मौत से हर रोज खेलते हैं, समझे? क्या चल रहा है ये खेल? वो आएगी, वो आ रही है। अरे वो आ रही है। ड्रामा बंद करो, समझे तुम? सर ये ड्रामा नहीं कर रही है, इसकी नाक से खून निकल रहा है। आएगी आएगी, इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जल्दी। सुनो, सुनील को खोल दो। सुनील उठो, मेरी तरफ घूमो, चलो रुको, मुड़ो, अपना बाया हाथ ऊपर करो, अपना दाया पैर ऊपर करो। गुड, अब नीचे कर दो। सुनील को तैयार कर दो। हेलो, सब तैयार हो गए। विक्रम, मोहन और बाकियों का काम हो गया है। सबने वही किया जैसा उनको कहा गया था। और हाँ, ये चीप दिमाग को बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर रही है। और हाँ, अवंतिका की टेंशन भी खत्म हो गया। हाँ, हमने सारे टेस्ट कर लिए, अब कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो हम 100 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। यस। बॉस ने कहा है इन सबको यहां से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है। और हां, किसी भी तरह का कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए, सब कुछ खत्म कर देना हमें, समझ रहे हो? ए, कहां से लेट लेकर आ? कहीं जाने की तैयारी हो रही है? ए, कौन हो तुम लोग?
जेल नहीं, नहीं, ये गलती मत करना। चल दर, सचिन, खोल बंद, चलिए। ठीक तो ना? हाँ, चलिए बस। तुम्हें? सही तुम? उठने की हालत में नहीं है? निकल, एम्बुलेंस को फोन करो। इन सबको हॉस्पिटल ले जाना होगा। किसके कहने पे किया ऐसा? कौन है तुम्हारा बॉस? सर, हमें कुछ नहीं पता। हमसे जो कहा गया, वो हमने किया। और सर, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये ऑपरेशन क्यों हो रहा है। ये बकवास बंद कर संजय। बता तुम लोगों का रिंग मास्टर कौन है? बोल। सुनील नाम के किसी आदमी को वो अपने आने वाले पैनल के लिए चुन रहे हैं। और सर, वो किसी क्रिस्टल के बारे में बातचीत कर रहे थे, जो बहुत ज्यादा कीमती चीज है सर। क्रिस्टल? जी सर, अभी अभी कुछ दिन पहले लोकल पुलिस ने बहुत बड़ी रेड मारी, जिसमें करोड़ों के उन्होंने ड्रग्स पकड़े थे। इसमें ये क्रिस्टल मेथ भी था। चल, जा, खड़े रह। तब तो ये ड्रग्स पुलिस के गोडाउन में ही होगी, और इन लोगों का प्लान होगा उस ड्रग्स को पुलिस के गोडाउन से चुराना। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं ये काम कर दूंगी। तुम पे भरोसा करके मैंने बिल्कुल ठीक किया, वरना मेरा वो बेवकूफ पति, इसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कर पाता। ये तो बस शुरुआत है। ब्रेन को कंट्रोल करने की इस टेक्नोलॉजी से हम 1,000 करोड़ तक कमा लेंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यू नो, इस टेक्नोलॉजी के लिए लोग हमें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। एक ग्रुप ने तो मेरे साथ बात भी की, वो इस टेक्नोलॉजी के जरिए CID को ही साफ कर देना चाहते हैं। ठीक है ना, हमें क्या प्रॉब्लम, लड़ने तो CID को उनके साथ। हमें काम करते हैं, सूरज डूबते हम सारे पैसे लेके भाग जाएंगे। ओके, इतनी जल्दी क्या है जाने की? कंपनी के लिए काम करती थी, उन्होंने ये ब्रेन को डैमेज करने का, उसे कंट्रोल करने का गैर कानून प्रोजेक्ट बनाया था। किसी कारण दिवालिया हो जाने के कारण कंपनी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तुमने मौके का फायदा उठाया और इस रिसर्च को आगे बढ़ाया। इसके लिए मुझे एक्सपर्टीज की जरूरत थी, और विक्रम बहुत ही असूलों के पक्के थे, इसलिए वो मेरे किसी काम के नहीं थे। तब तुम्हें ये रीमा मिली,
विक्रम की असिस्टेंट है? हाँ, मुझे विक्रम की तरह छोटे मोटे रुपयों में जिंदगी नहीं काटनी थी। लेकिन तुम लोगों ने विक्रम और मोहन के सिर में चिप क्यों लगाई? कंपनी बंद हो जाने के कारण हमारा रिसर्च बीच में अटक गया था, इसलिए हमें उन दोनों की मदद की जरूरत थी। विक्रम और मोहन इस फील्ड के एक्सपर्ट, और हमें उनकी जानकारी का फायदा उठाना था, इसलिए हमने उन्हें काम पर रख लिया। और उन्हें अंत तक असलियत का पता भी नहीं चला कि वो किस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। हमारे रिसर्च के लिए बहुत अच्छे नमूने भी साबित हुए, पर खतरा होने के डर से हमने उन्हें भी मार दिया हमने उन्हें। और अवंतिका, उसके साथ तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? अवंतिका पर ही तो हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। उसके दिमाग में जो हमने चिप फिट की थी, वो किसी कारण काम नहीं कर पा रही थी, सब कुछ गड़बड़ हो रही थी। और उसने उन लोगों को भी देख लिया था जिन्हें हम प्रयोग के लिए लाए थे। उसे हमारे प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया था। लेकिन जब वो हमारे लैब से भाग गई ना, तो उसके चिप में प्रॉब्लम की वजह से दिमागी झटकों में उसको सब कुछ दिखता था। उसने अभिजीत का भी स्केच बनाया था, तो क्या अभिजीत भी तुम लोगों के निशाने पर था? अभिजीत की मौत के लिए तो आज भी लोग करोड़ों लेकर तैयार बैठे हैं। अगर हमें 2-4 दिन और टाइम मिलता ना, तो शायद अवंतिका की भविष्यवाणी भी सच हो जाती। रुपयों की लालच में न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी तुम लोगों ने, कितने मासूम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। कानून इसकी कड़ी से कड़ी सजा देगा। फांसी होगी तुम लोगों को, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।